हे गाइस, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जहाज झारखंड। यहां पर मैं बता दूं दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये वो उन लोगों के लिए है जो कि अपना करियर पुलिस लाइन में बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई विशेष शाखा आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के बारे। जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म था ये जनवरी से ही भराना स्टार्ट हुआ था और ये बंद भी हो चुका था, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश इसे फिर से निकाल दिया गया है। और आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है, जो कि इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे वो इस फॉर्म को भर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता दूँ टोटल सीटें यहाँ पर 1043 सीटें हैं और ये जो नोटिस इस बार निकाला गया है इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ, तो मैं बता दे रहा हूँ 1043 सीटें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर दिनांक 13/6/2019 को ये निकाला गया विज्ञापन। और यहाँ पर क्या लिखा गया है अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा अच्छा से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 5/18/2018 नियमित रिक्ति द्वारा विशेष शाखा आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के लिए अर्हत प्राप्त आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र 4/1/2019 से लेकर 18/12/2019 तक प्राप्त किए गए हैं। नियोजन हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए पूर्व से प्राधिकृत उपायुक्त तथा अनुमंडल पदाधिकारी के अलावे एक अन्य प्राधिकार अंचलाधिकारी को क्रामिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा सम्मिलित किया गया है। अतः इस पत्र के आलोक में उक्त विज्ञापन से संबंध विवरणिका की पात्रता एवं अर्हता संबंधित शर्तों के अधीन समक्ष प्राधिकार के समक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र धारित करने वाले तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाती है। इसके विभिन्न चरण निम्नवत है। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि यहाँ पर कुछ सुधार किया गया है, कोई प्रॉब्लम होगा और यहाँ पर ऑनलाइन का आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है, तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ है कब से कब करना है। यहाँ पर मैं बता दूँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के प्रारंभ होने की तिथि 17/6/2019 तक से स्टार्ट है और समाप्ति तिथि 21/6/2019 को यह रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि 18/6/2019 से स्टार्ट होगा, सो 23/6/2019 को यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फोटो अपलोड करने की तिथि 19/6/2019 से लेकर 25/6/2019 तक इसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के संशोधन, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको संशोधन 27/6/2019 से लेकर 29/6/2019 तक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा डिटेल है दोस्तों, यानी कि ये फॉर्म 17 से भरा जाएगा, सो 21 को इसका समाप्त हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर परीक्षा शुल्क आपको 18/23 तक करना है। फिर फोटो जो अपलोड करेंगे आप 19/25 तक करना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के अभ्यर्थ में कोई सुधार करना है तो 27/6/2019 से लेकर 29/6/2019 तक इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसमें और कुछ डिटेल नहीं लिखा गया दोस्तों। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो विशेष शाखा आरक्षी या क्लोज कैडर में, तो आप इसमें बना सकते हो अपना करियर दोस्तों। यहाँ पर 5,000 से 20,000 तक इसका पे स्केल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तो टोटल लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ पर 1043 यानी 1043 सीटें हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज हम आपको हमेशा देते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जो न्यूज है आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।